हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेवमोर किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खांडवी रेसिपी, जिसे पटूली और दही वड़ी भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र और गुजरात में प्रचलित स्नैक्स है। खांडवी बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है, पर आपको मैं इतनी इजी रेसिपी बताने वाली हूं, जिसे फॉलो करके आप भी घर पर खांडवी बना पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं खांडवी बनाना। मैंने यहाँ एक बड़ा बाउल लिया है, इसमें मैंने डाला है 1 कप बेसन और 1 कप दही, नमक, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, थोड़ी सी हींग, हल्दी और 2 कप पानी। इन सबको विस्कर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे इसमें कोई लम्स ना पड़े। जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए, इसे जूस की छलनी से छानते हुए पैन में डालेंगे और इसे स्लो फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे, जब तक कि यह पूरी तरह से गाढ़ा नहीं हो जाए। ध्यान रहे इसे कंटिन्यूसली जलाना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। इसे लगभग 10 मिनट लग जाएंगे पूरी तरह से गाढ़ा होने में, और इसे लगातार चलाते ही रहें। लगातार चलाते हुए इसकी कंसिस्टेंसी देखते रहें, जब तक कि ये इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट ना हो जाए, इसे कंटिन्यूसली चलाते ही रहे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इस मिश्रण को एक बड़ी प्लेट के पीछे की ओर फैलाएंगे, जितना पतला हो सके इसे फैलाना है। अब इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने रख देंगे। जब तक हम छोंक तैयार करेंगे, कढ़ाई में 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। उसे थोड़ा गर्म होने पर उसमें राई, तिल को तड़काएंगे और इसमें हरी मिर्च और कसा फ्रेश नारियल डालकर और कटा हरा धनिया डालकर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। प्लेट पर फैलाई हुई खांडवी हमारी ठंडी हो गई है। इसे चाकू से लंबे लंबे कट लगाएंगे और इस पर छोंक फैलाएंगे। स्ट्रिप्स को धीरे धीरे रोल करते हुए इनकी खांडवी बना लेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सारी स्ट्रिप्स को रोल करेंगे और बचा हुआ छोंक डालकर इसे गार्निश करेंगे। हमारी मुंह में घुलने वाली खांडवी तैयार है। ये कितनी सॉफ्ट और टेस्टी बनी है। आप भी इसे एक बार घर पर जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपकी खांडवी कैसी बनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।